नए गली न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नहीं है, जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मजहब है, पहला धर्म है, और जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है। और इस्लाम को हम धर्म समझते ही नहीं हैं। इतना पढ़ लेने के बाद इस्लाम के बारे में, मोहम्मद के चरित्र के बारे में, और जो उनकी आतंकवादी चेहरा है उसको पढ़ने के बाद, हम ये समझते हैं कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, मोहम्मद द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक आतंकी गुट है जो 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में तैयार किया गया था। तो जब हमको निकाल दिया गया, हर जुमे को नमाज के बाद हमारा और महाराज जी का, यति नरसिंहानंद गिरी जी का सर काटने के लिए फतवे दिए जाते हैं, इनाम बढ़ाया जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में हमको इस्लाम कोई में कोई कहे या हमको कोई मुसलमान कहे, इस पर हमको खुद शर्म आती है। वसीम रिजवी कन्वर्ट्स टू हिंदुइज्म। इस्लाम से निकाले जाने के बाद वसीम रिजवी ने हिंदू सनातन मजहब अपनाया। आज 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद के डेमोलेशन के बरसी के दिन ही वसीम रिजवी ने इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपनाया। हिंदू धर्म अपनाने के बाद वसीम रिजवी का नाम जितेंद्र नारायण सिंह रखा गया है। ये वही लालती वसीम रिजवी है जिसने कुरान पाक की 26 आयतें हटाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका उठाकर फेंक दी और रिजवी पर भारी जुर्माना लगाया था। हाल ही में लालती वसीम रिजवी ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक कंट्रोवर्शियल बुक लिखी थी जिससे दुनिया के तमाम मुसलमान नाराज थे। लालती वसीम रिजवी पर देश भर में कई जगहों पर केस भी फाइल है। लालती वसीम रिजवी सोमवार को गाजियाबाद के देवी मंदिर में यति नरसिंहानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म में शामिल करवाया। वसीम रिजवी पर कई वक्त वोट संपत्तियों में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा है जिसे लेकर तमाम FIR दर्ज कराई गयी है। 2017 में वसीम रिजवी ने देश के 9 मस्जिदों को हिंदुओं को सौंपने की बात उठाई थी। कुतुब मीनार परिसर में स्थापित मस्जिद को हिंदुओं की धरती पर कलम बताया था। ये वही वसीम रिजवी है जिसने मदरसों की तालीम को आतंकवादियों से जोड़ा था। वसीम रिजवी इस्लाम क्या छोड़ेगा, उसे तो खुद शिया और सुन्नी समुदाय के उलमाओं ने फतवा देकर इस्लाम से खारिज कर दिया। मुसलमान अवाम ही नहीं बल्कि वसीम रिजवी के परिवार वाले लोग भी खुद उसके खिलाफ हो गए थे। उसके माँ और भाई ने भी अपना नाता तोड़ दिया था। यहाँ तक शिया समुदाय ने वसीम रिजवी को अपने कब्रिस्तान में दफनाने से भी मना कर दिया था मरने के बाद। हिंदू धर्म अपनाने के बाद जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने कहा, मुझे इस्लाम से निकाल दिया गया तो फिर मेरी मर्जी है कि मैं कौन सा धर्म स्वीकार करूं। वसीम रिजवी ने कहा, इस्लाम को हम धर्म ही नहीं समझते। हर जुम्मा की नमाज के बाद हमारे सर काटने के लिए फतवे दिए जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमको कोई मुसलमान कहे, इससे हमें शर्म आती। अरे वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी, पहले तो खुद ही कहता है कि मुझे इस्लाम धर्म से निकाला गया है और उसके बाद कहता है कि मुझे शर्म आती है और फिर दावा करता है कि हमको कोई मुसलमान कहे तो हमें शर्म आती है। अरे वसीम रिजवी, तेरे जैसे मुसलमान नहीं रहे ना तो ये कौम सुखी रहेगी। इसी के साथ मोर अपडेट्स के लिए गली न्यूज के साथ जुड़े रहे। हमारे चैनल गली न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।